दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का स्वागत है मन की बात ब्लॉपर्स में। सो गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया का जेम्स बॉन्ड कौन है? सोचो, मैं आपको एक सेकंड देता हूं। नहीं पता? सो इंडिया का जो जेम्स बॉन्ड है वो है अजीत डोवाल जी। अगर आपने बिल्कुल सही सुना, अजीत डोवाल जी को इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। क्या आपको पता है क्या है कि पुलवामा और उरी अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? गाइज, वो और कोई नहीं, नन एंड ओनली अजीत डोवाल जी थे। सो गाइज, अजीत डोवाल जी जो है वो बहुत ही चाणक्य बोला जा सकता है, उन्हें आधुनिक चाणक्य हैं वो। तो अगर चाणक्य के बाद कोई पैदा हुआ था तो वो अजीत डोवाल जी हैं, जिन्होंने जो दुश्मन के खेमे में जाके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल लाते हैं। अजीत डोवाल से सबसे ज्यादा जो डरता है वो देश है पाकिस्तान। समझ रहे हो आप? ये पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को काफी उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। तो गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? तो अजीत डोवाल जी के बारे में और अधिक जानना है तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो है अजीत डोवाल जी को, उनके केस स्टडी है, बड़ा हरामी हो बेटा, आप उसको जाइए सुनिए समझिए। उन्होंने कैंपेन चला रखा है हैशटैग सपोर्ट फॉर भारत रत्न फॉर अजीत डोवाल एंड हैशटैग रिक्वेस्टेड बाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो जाइए, जाके वीडियो को देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और अपनी नॉलेज को गेन कीजिए और जानिए कि भारत का जेम्स बॉन्ड कौन था, कैसा था और किस तरीके से उसकी काम की शैली थी। जी हाँ दोस्तों, वो नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी हैं, वो प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दो नहीं भाई, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इस चैनल को प्रमोट करना, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके अच्छे अच्छे कंटेंट लाके देना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अलविदा।